कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सो मुझे अपने ट्राइब को दिखाना है, पहले अपनी ट्राइब की खबर करनी है लोगों को कि हमारे पर क्या गुजर रही है और इनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। रहना जिंदा कोई, ये तो कोई जिंदगी नहीं है। ये चीज मुझे अपसेट करती है, आई थिंक इसलिए ये फिल्म बनाई। मैं क्यों नहीं जाती, व्हाई डोंट आई नो दिस सोल्जर। अपने घर के, अपने माहौल में, अपने इन्वायरमेंट को पहले दिखाना है, अपने ट्राइब को दिखाना है, पहले अपनी ट्राइब की खबर करनी है लोगों को कि हमारे पर क्या गुजर रही है, हमारे मसाइल क्या हैं और इनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ। मेरे पास मेरे पेंट्स हैं, मेरा कैमरा है, उन्हीं के साथ मैं अपने टूल को यूज़ कर रही हूँ, किसी भी स्टोरी को किसी भी इमेज में दिखाया। मेरा मकसद ये था कि पहले मैं उनके साथ कम्युनिकेट करूँ, उनके साथ एक ताल्लुक़ बनाऊँ, वो फील कर रहे थे कि मैं उनके फीलिंग्स को फील कर रही हूँ, और फिर उनके जो एक्सप्रेशन मुझे मिले वो मुझे मिल गए अपने फोटोग्राफ में। आई कैन से कि पूरे पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी है, लेकिन जो क्वेटा में हालात है वो कुछ ज़्यादा ही खौफनाक है। हम लोग डेंजर जोन में रह रहे हैं और यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसी है कि लोग बहुत इनसिक्योर, हर किसी को अपने फैमिली मेम्बर की फ़िक्र है कि कहीं कोई बाहर जा रहा है तो कहीं उसके साथ कोई वाकया ना हो जाए, कोई हादसा पेश ना आए। तो ये मुझे ख़ुद इनसिक्योरिटी, मैंने इस इशू पर काम किया क्योंकि क्या पता था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है, या मेरे खुदा ना खासा मेरी फैमिली के करीब अजीज़ और क़ारीब में से ऐसा कुछ हो जाता। हमारे साथ यहाँ पर सुलूक किया जा रहा है, किस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। आई थिंक कि हर कोई अपनी कंट्रीब्यूशन करे, अगर कोई राइटर है तो वो लिखे, अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो पेंट करे, अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी फील्ड में वो अपने इस्तेदाद के मुताबिक काम करेगा तो ज़रूर हमारे कहीं ना कहीं हम पहुँचेंगे, कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ पहुँचेगी, कोई ना कोई असर तो ज़रूर होगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैव एन रिएक्शन। तो मेरी जो पेंटिंग्स हैं या मेरा जो काम है न्यू मीडिया वर्क में, तो वो एक रिएक्शन है इन्हीं सारे सिचुएशन का, इन सारे हालात का जो भी क्वेटा में हो रहा है। قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا علما بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقات فينبئكم بما كنتم تعملون। मेरी कंट्रीब्यूशन यहाँ ये रही है कि जब भी कोई टारगेट किलिंग का वाकया हो जाता है मैं यहाँ पर आती हूँ और जो उनके लवाहिकीन हैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ। अफसोसनाक बात ये है कि यहाँ पर शहदा की खबर हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कभी टारगेट किलिंग मस्तून का वाकया होता है तो कभी सब्ज़ी फरोश को मारा जा रहा है। एज के लोग हैं यहाँ पर, यंग, बूढ़े, जवान, बच्चे, कोई नहीं कह रहा कि किसको मारा जाए किसको नहीं मारा जाए, बट वो किसी को भी मार रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोगों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा, वो दिन ज़रूर आएगा, ना कि ना सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी बल्कि हर एक मज़लूम के साथ इंसाफ होगा, और इस दिन का वादा तो अल्लाह ताला ने भी किया हुआ है, वो दिन ज़रूर आएगा।
कहानी है एक फैमिली की जिसमें जो बाप है वो एक पुलिस ऑफिसर है और कहानी सुनाई जाती है उसकी बीवी के एंगल से। एक इनविजिबल खौफ है जो हर किसी में, आप में, मेरे में, हर किसी जो इंसान इस वक्त इस मुल्क में बसता है, जो उसके दिमाग में कहीं पीछे किसी कोने खुदरे में सारा वक्त रहता है, वो ज़िंदगी गुजार रहा है अपनी, रोज़ गुजारता है, एक फंक्शनल सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन उसके दिमाग में पीछे रहता है। उसकी वजह से वो अपने आप से बातें करने लगी है। वो सोचती है और इमेजिन करती है कि रेडियो जो है, जो कि बहुत पुराना है उसके घर में, वो बोलता है उसको, वो खबरें देता है। तकरीबन 60 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल। ये चीज़ मुझे बहुत अपसेट करती है, बिकॉज़ मैं सारी ज़िंदगी लाहौर में रही हूँ और मैंने बहुत मज़े का बचपन और बहुत मज़े का कॉलेज का ज़माना देखा हुआ है। लाहौर तो फूलों का शहर है, यूनिवर्सिटीज़ का शहर है, फवारों का शहर है, पार्क्स का शहर है। अब आप निकलें लाहौर में, आपको ऊँची ऊँची दीवारें नज़र आती हैं, पुलिस इतनी कि बिल्कुल मुझे लगता है मैं बैरूत में रह रही हूँ, मैं लाहौर में नहीं रह रही। तो ये कहानी है एक शहजादे की, इसको जंगल के खरगोश बहुत पसंद थे, मगर इसकी अम्मा उसको बाहर नहीं जाने देती थी क्योंकि जंगल में बहुत खूंखार जानवर रहते थे। हाँ, ऐसे नहीं कहते, इसलिए क्योंकि जंगल बहुत बड़ा था और जंगल का बादशाह जहर रहता था। सफी, कहानी बंद। मेरी बहन होती है, एनेस्थेटिस्ट है, गंगाराम अस्पताल में काम करती है। वो उस वक्त ऑपरेशन कर रही थी जब FIA की बिल्डिंग के बाद लाहौर का सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ज़ाहिर है इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, ऑपरेशन थिएटर डिसफंक्शनल हो गए, छतें गिर गईं, बिजली बंद हो गई, टेलीफोन सारे यहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से बंद कर देते हैं, मोबाइल। हमें सारा दिन पता नहीं चला हमारी बहन किधर है, मतलब मेरी माँ को नहीं पता कि उसकी बेटी जिंदा है कि मर गई है। शीशे सब टूट गए गंगाराम अस्पताल में, सेंट एंथनी यहाँ स्कूल होता था बच्चों का, वहाँ सब टूट गए। और आप सोच नहीं सकती कि वो 24 आवर्स हमने किस तरह गुजारे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस उससे मैं पूछती थी कि क्या आई हो, के तुम ठीक हो, वो कहती थी मैंने बात नहीं करनी है आपसे, कहती आपको नहीं समझ आ सकती। तो मैं उसको कहती थी कि नहीं मेरे से तुम शेयर करो, लेकिन वो कहती है कि ये किसी को समझ नहीं आ सकती कि जब एक एक इतना यंग लड़की जो है उसको इतने करीब से डेथ, इतनी बेशुमार, इतनी सेंसलेस देखनी पड़े, उसकी तो ज़िंदगी बदल गई है। अब बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है वो FIA की बिल्डिंग के पास हुआ है, उसका खामन FIA की बिल्डिंग में काम करता है और उसने ये सोच लिया है कि वो बस आज तो मर गया है। और वो सफाई करती है, घर साफ करती है और उसके जनाजे की तैयारी शुरू कर देती है। इस्तेमाल करार दे दिया गया है।
पुलिस ऑफिसर को मैंने इसलिए लिया, वो जो पुलिस ऑफिसर है जिसको मैं और आप गालियां देते हैं और हर सड़क पे चलता है उसको बंदा गाली देता है, उसकी भी तो कोई मतलब जिंदगी है ना भाई, उसकी भी कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई बीवी है, कोई भाई है। जब वो मरता है तो उस खानदान के बारे में कोई नहीं सोचता उनके साथ क्या हो रहा है। गेम नहीं लगती आपको, कहानी नहीं लगती आपको, सच लगता है? मुझे तो नहीं लगता। कभी यहाँ से कुछ हो रहा है, कभी वहाँ से कुछ हो रहा है, और अब तो ये भी समझ आनी बंद हो गई कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन मेरा मसला ये कि लोग मर रहे हैं भाई, उनको कोई नहीं पूछ रहा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन पॉलिटिकल है, किसके पीछे कौन है, कौन पैसे खा रहा है। मेरा मसला है कि इंसान मर रहा है भाई, इंसान जो है वो अगर ज़िंदा भी है तो ये ज़िंदगी नहीं है। खौफ के साथ रहना ज़िंदा कोई, ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है। मामा अभी इस वक्त हमारी जंग चल रही है उसके अंदर जो सिपाही खड़ा है इस वक्त वज़ीरिस्तान में और जहाँ पे भी चेक पॉइंट्स पे, और इतने सिपाही हमारे शहीद भी हो रहे हैं, उसके लिए कुछ फील नहीं हो रहा था। और मैं ये सोची थी कि ये क्यों है। मैंने बहुत सारी अमेरिकन फिल्में भी देखी जिसके अंदर अमेरिकन या वेस्टर्न सोल्जर के बारे में इतनी इतनी सारी कवरेज हो चुकी है कि वो उसके जंग पे जाने से पहले कितना वो मासूम होता है और कितना वो एक बिल्कुल उसको कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में, और फिर उसके बाद वो चाहे इराक में या कहीं पे भी उसकी जंग में उसका एक्सपीरियंस क्या है, वहाँ पे रहते सोते कैसे हैं, वहाँ पे खाते क्या है, वहाँ पे वो एंटरटेन कैसे करते हैं अपने आप को, एक एक चीज़ हमें उनके बारे में पता है। लेकिन मुझे लगा कि मैं अपने सोल्जर को बिल्कुल नहीं जानती, और मुझे ये इसमें अजीब लगने लगा कि ये क्यों है। आर्मी के हॉस्पिटल्स में उन्होंने मुझे लेके गए, तो वहाँ पे मैं सिंपली बस पोर्ट्रेट्स करना चाह रही थी। व्हाइल आई वाज शूटिंग मैं उनकी साथ साथ खींचते हुए तस्वीरें मैं उनके बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ले रही थी, बिकॉज मैं चाह रही थी कि वो जब मैं वो तस्वीर देखूँ तो मुझे पता चले कि ये आदमी क्या कहाँ से है, इसका कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, इसका घर किधर है, इसकी फैमिली में कौन है, इसके बच्चे हैं, इसकी बेटियाँ बेटे क्या हैं, इसकी उम्र क्या है, इसको कैसे इंजरी हुई। एक मुझे बहुत ही मेरे लिए एक बड़ा टचिंग मोमेंट था कि मैं जब आँखों के वार्ड में गई शूट करने, तो वहाँ पे एक सोल्जर थे, उनकी दोनों आँखें उनकी चली गई थी किसी आईईडी ब्लास्ट में। इनकी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर लिखा था, वो आर्मी की टी शर्ट जो होती है इस तरह, उस पर लिखा था प्राउड टू सर्व। मैं उनकी तस्वीरें खींच रही थी, उनको मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन ऑन वन लेवल वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ रहे थे कि अच्छा ओके ये कोई आर्मी की पोर्ट्रेट्स हो रही हैं। मैं उनसे ये नहीं कहती कि आप मुझे देखें या आप ऊपर देखें या साइड पर देखें, वो मुझे डायरेक्टली सीधा देखते थे, एंड देर वॉज नो सेल्फ पिटी। उन सोल्जर्स में एक क्लैरिटी थी और एक स्ट्रेंथ थी कि चाहे जो भी उनके साथ हो चुका था, बट इट वॉज लाइक वो दे स्टूड देयर ग्राउंड। उनमें एक स्ट्रेंथ थी जो जो फील हो रही थी उनसे मिलके। ही वॉज आई थिंक अराउंड 26 ईयर्स ओल्ड। उनकी कॉन्वॉय जो है वो शायद वो पहाड़ से उलट के गिरी थी, तो उसके अंदर वो इंजर हो गए थे एंड 6 महीने में के लिए कोमे में थे। जब वो उठे थे तो फिर वो थोड़ा सेमी पैरालाइज थे।
उनकी सारी फैमिली की आई थिंक तस्वीरें लगी हुई थी, बल्कि उनकी अम्मी ने मुझे बड़े मज़े की बात की जब मैं उनसे सारी सवाल पूछ रही थी कि इनकी पर्सनल डिटेल्स, तो कहती थी ये भी लिखना कि ये 6 फुट 4 इंच का है। उनकी तस्वीरें खींच रही थी तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे एक बहुत ही फजूल बात पूछूं। तो कहने लगे जी। तो मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि आप गए क्यों थे, कि ये किस तरह का सवाल है। तो कहते हैं ड्यूटी करने। तो मैंने कहा ड्यूटी करने गए। कहते हैं सर्विस। एंड दैट वाज इट। इनकी कुर्बानी है और ये इनका जज्बा है, ये चीज़ मैं समझना चाह रही थी कि ये क्या है। जो मैं चीज़ ढूंढ रही थी वो यही थी। मेरा ये सवाल है कि क्या इसको वाकई में ज़िंदगी कहते हैं? ये है ज़िंदगी, ये हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को ये ज़िंदगी दे के जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो दिन ज़रूर लाएगा जब हमें इंसाफ मिलेगा, हर मज़लूम को इंसाफ मिलेगा।